जिले के हथुआ अनुमंडल प्राइवेट स्कूल एवं कोचिंग संस्थान एसोसिएशन ने आज सरकार द्वारा सभी स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों को बंद के आदेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया तथा स्कूलों एवं कोचिंग संस्थाओं को खोलने की मांग की। सचिव विजय कुमार सिंह का कहना था कि सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक गतिविधियां रोक दिए जाने से निजी शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, इसलिए सरकार को कोरोना गाइडलाइन के तहत स्कूलों एवं कोचिंग संस्थाओं को खोलने की इजाज़त देनी चाहिए। कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कोरोना से त्रस्त है तो वो शिक्षक समाज त्रस्त है। शैक्षणिक गतिविधियों को जो सरकार रोक दी है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हम निजी शिक्षक समाज के लोग हैं। और अब स्थिति भूखमरी के कगार पे नहीं, भूखमरी से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग अब भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। और सरकार अगर हम लोगों की व्यथा नहीं सुनेगी तो फिर हम कहीं दूसरे देश के निर्वासित नहीं हैं, हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं। हम लोग अपनी व्यथा को सुनाने के लिए स्थानीय प्रशासन के समक्ष अपनी व्यथा और अपना आवेदन देने जा रहे हैं ताकि हम लोगों के समस्या का निराकरण सरकार निकाले। एक तरफ जब सिनेमा हॉल को 50% इनटेक के साथ चलाया जा सकता है तो क्या शैक्षणिक गतिविधि को 30% इनटेक के साथ भी नहीं चलाया जा सकता है? क्या शिक्षक इतना गैर जिम्मेवार है कि समाज में कोरोना को बढ़ावा देगा? सरकार, पता नहीं सरकार की विवेक कहां मर गई है कि सरकार शिक्षकों के प्रति बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार हो गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को ये चिंता नहीं है कि हमारा शिक्षक समाज कहाँ जा रहा है? आपको ये बात जानकारी होगी कि सबसे कम पारिश्रमिक में अगर श्रम करने का कार्य करता है तो वो निजी शिक्षक करता है। पिछले एक वर्ष तक हम लोगों ने मुंह तक नहीं खोला, हम लोगों ने पुरजोर सरकार का समर्थन किया, लेकिन अब पानी नाक के ऊपर जा रही है। अब हम लोग जीने पर विवश हो चुके हैं, अब हम आत्मदाह कर लेंगे अगर सरकार इस तरह की स्थिति हम लोगों के समक्ष लाएगी तो।